बच्चों को जो चाहिए वो कह नहीं पाते, पर अच्छी चीज का टच उनकी मुस्कान खिलाता है। इसीलिए अपने 0 से 6 साल के बच्चों की शॉपिंग के लिए आइए सिर्फ फर्स्ट क्राय। सागर का पहला मेगा स्टोर फर्स्ट क्राय, जिसका शुभारंभ हो चुका है मैक्रोनिया सागर में। यहाँ पाइए 20,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स की वैरायटीज। नियर HDFC बैंक, जबलपुर रोड, मैक्रोनिया सागर। मध्य प्रदेश के सागर में अगर मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वह पूरा हो जाए तो यकीन जाने सागर प्रदेश में अव्वल हो जाएगा। कई करोड़ों की योजनाएं, शॉपिंग मॉल, पार्किंग, पार्क, झील का संरक्षण, कॉरिडोर्स, रिंग रोड के साथ और ऐसी कई योजनाएं जो आज सागर में मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी के तहत घोषणा की है। सागर शहर के मध्य में जो साबूलाल मार्केट और बक्सीखाना के साथ नया बाजार है, उसको एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स की शक्ल दी जाएगी, जो तरक्की के लिए बेहतरी की ओर है। क्या कहा मुख्यमंत्री ने, जरा आप सुन लें जब वो पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार प्रतिबद्ध है सागर और सागर जिले के संपूर्ण विकास के लिए। इसलिए आज हमने सागर के विकास की रूपरेखा, सागर और मैक्रोनिया एक ही है, तो सागर और मैक्रोनिया के विकास की रूपरेखा हमने बनाई है। जो प्रचलित काम हैं वो आपके सामने हैं, उनका विवरण मैं अभी नहीं दूंगा, लेकिन सागर में प्रमुख रूप से जो चीज़ें आज जिनको हम लोग अंतिम रूप दे रहे हैं, तो एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण यहाँ होगा लगभग 85 करोड़ रुपए की लागत से, 85 करोड़। फिर ट्रांसपोर्ट नगर कोई व्यवस्थित सागर में नहीं है, तो अव्यवस्थित वाहन और ट्रांसपोर्ट के कारण शहर भी अव्यवस्थित होता है। इसलिए ट्रांसपोर्ट नगर और मैकेनिक्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण 30 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। ये हेरिटेज शहर भी है, यहाँ बावड़ी, यहाँ के कुएं, प्राचीन भवन, उनका जीर्णोद्धार जरूरी है, वो लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से होगा। फिर एक IT एनेबल्ड फायर फाइटिंग सिस्टम का निर्माण अब शहर में जरूरी है। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन संभावनाएं रहती है, तो नुकसान से बचाने के लिए उसका निर्माण भी पूरे सिस्टम का 30 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण, क्योंकि अब शहर में पार्किंग के स्थान की आप सभी ने सोच विचार के विचार करके फैसला किया, पार्किंग की समस्या काफी विकराल होती जा रही है, इसलिए मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। फिर शहर सुंदर दिखे और प्रकाश की व्यवस्था भी पूरे शहर में ठीक हो, इसलिए स्मार्ट पोल और स्ट्रीट लाइट की स्थापना कार्य वो भी प्रारंभ किया जाएगा लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से। फिर हमारा कला और शिल्प का केंद्र भी सागर रहा है, और इसलिए बुंदेली हाट बाजार का निर्माण, कला और शिल्प केंद्र का निर्माण वो करने का फैसला भी किया है लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से। संपूर्ण शहर में एनर्जी एफिशिएंट लाइट और लाइट सेंसर का काम यह भी सागर में किया जाएगा लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से। फिर अब एक इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल यहां जरूरी है, और एक ऐसा बस स्टैंड जो अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हो, और सागर से क्योंकि चारों तरफ बड़ी संख्या में रोज यात्री आते जाते हैं, तो उसके निर्माण का काम भी लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से होगा। हमारे यहाँ डेयरी है, डेयरी जरूरी भी है,
लेकिन डेयरी अगर व्यवस्थित हम लोग कर दें शहर के बाहर तो दूध भी जनता को पीने मिले और डेयरी के कारण पशुओं के कारण शहर अस्त व्यस्त ना रह पाए इसकी व्यवस्था भी जरूरी है। तो उसका भी एक सैद्धांतिक फैसला हुआ है, लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से वो भी किया जाएगा। फिर हमारे पुराने मार्केट है साबूलाल मार्केट, नया बाजार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बक्सीखाना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इनको व्यवस्थित और ठीक बना के भव्य स्वरूप प्रदाय किया जाएगा आधुनिक शहर की तर्ज पर। इसलिए ये भी साबूलाल मार्केट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से, नया बाजार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से और बक्सीखाना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से इसके निर्माण का काम किया जाएगा। ये लगभग 535 करोड़ रुपए की राशि के काम होंगे। आज जिन कामों का भूमि पूजन और शुभारंभ होना है, अभी चूंकि कार्यक्रम है और पूरे प्रदेश में वो कार्यक्रम सुना जाएगा, किसानों के खाते में आज 400 करोड़ रुपया यहाँ से डल रहा है 20 लाख किसानों के खाते में। लेकिन सागर सिटी स्टेडियम का पुनर्विकास का कार्य ये 10 करोड़ 92 लाख रुपए से किया जाएगा। खेल परिसर मैदान का पुनर्विकास का कार्य ये भी 10 करोड़ 10 लाख रुपए लगेंगे इसके निर्माण में। इनक्यूबेशन सेंटर एक बना रहे हैं ताकि हमारे बच्चे यहाँ इनोवेशन भी कर सके और स्टार्टअप शुरू कर सके। भोपाल और इंदौर में इनक्यूबेशन सेंटर है, वो प्रयोग काफ़ी सफल हुआ है। हमारे यहाँ भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इसलिए उनके लिए इनक्यूबेशन सेंटर के भवन का निर्माण और ओल्ड आरटीओ कैंपस का पुनर्विकास ये भी 12 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। और इनक्यूबेशन सेंटर के प्रबंधन के लिए भी 3 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान रखा है। जीआईसी आधारित प्रॉपर्टी टैक्स का सर्वे, डिजिटल डोर नंबरिंग का कार्य, सी लांज निर्माण का कार्य, ये कुल मिला के स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत लगभग 47 करोड़ रुपए के ये काम हैं जिनका भूमि पूजन होना है। और इसके अतिरिक्त अलग अलग मार्ग में, एक एक का नाम नहीं ले रहा, अलग अलग भवनों का और बाकी जो काम होने हैं कुल मिला के 370 करोड़ 31 लाख रुपए के होने, वो सूची आपको उपलब्ध कराएंगे। अभी केवल सागर और मकरोनिया के विकास की हमने पूरी रूपरेखा बनाई है, मकरोनिया के विकास की भी रूपरेखा आपके सामने हम लोग रखेंगे। अभी प्रस्तावित जो हमने की है उसके लिए भी धनराशि की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जितनी नगर पंचायतें हैं सागर जिले की, नगर पंचायतों के 5 साल का रोड मैप और आगे भविष्य में ग्राम पंचायतों का मास्टर प्लान, ये बना के शहरी विकास और ग्रामीण विकास दोनों सुव्यवस्थित तरीके से, अनियोजित नहीं सुनियोजित विकास और तेजी से विकास के सपने को हम लोग संपन्न करेंगे। एक और विचार आया है जिसको अभी अंतिम रूप देना बाकी है, कुछ और प्रस्तावित काम है उस पर चर्चा करके हम लोग फैसला करेंगे। लेकिन बाईपास रोड या रिंग रोड जैसी कल्पना, क्योंकि भविष्य में आने वाली चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो बाकी संस्थाएं हो उनके बारे में भी विचार करके जल्दी फैसला करेंगे। आज इतनी चीज़ों पर फैसला हुआ, ये जानकारी मुझे आपको देनी थी। और अभी चूंकि कार्यक्रम में पूरे प्रदेश में इंतजार हो रहा है, सर 1:30 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू था। मामा जी एक सवाल, अब आज आज एक्सप्रेस के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।